और ओकेशन भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि शिवरात्रि आ रही है और शिवरात्रि पे मंदिर के बाहर मेरे को लॉर्ड शिवा का पेंटिंग बनाने का ऑर्डर मिला है। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ पेंटिंग करने के लिए और मेरे पास सिर्फ 2 ही दिन है, 2 दिन के अंदर अपने कैसे भी करना है। तो अभी चलते फटाफट, ओके चलो तो भी चलते। सारे मेरे जितने भी आर्ट मटेरियल मेरे को लगने वाले थे वो ले लिए और रास्ते में मेरे को कुछ कलर्स वगैरह भी लेने हैं और एक्स्ट्रा तो भी ले लेंगे। We'll be driving down the state, yeah. Look around for the next crowd, yeah. Going our own way. अभी मैं यहाँ पे मंदिर में आ गया हूँ, तो अभी अभी आया जस्ट। मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग भी यहाँ पे साथ में, ये अपना भाई है दीपक भाई, इसने मेरे को मतलब जो मेन यहाँ पे लोग, इन लोग का एक ग्रुप है, कुछ नाम है क्या भाई ग्रुप का, लोग नहीं ना, चलो तो ये लोग हैं। तो इन्होंने मेरे को बोला कि मतलब ये मेरे को जानता है कि मैं आर्ट वगैरह करता हूँ, पेंटिंग्स वगैरह करता हूँ पहले भी, तो बोला कि इन लोग का ऐसा कुछ प्लान था कि यहाँ पे वॉल पेंटिंग करने का। एक्चुअली एक मंदिर है महादेव का, तो मंदिर के बाहर ही एक ऐसा वॉल है, तो यहाँ पे पेंटिंग करने के लिए इन लोगों ने मेरे को बोला अच्छा आइडिया, मेरे को भी अच्छा लगा, तो मैं बोला चलो करते हैं। ये चोमू को भी लेके आया साथ में मदद करने के लिए, हेल्प करेगा मेरे को शूट वूट करने में। तो ये है अपनी वॉल जहाँ पे अपने को पूरा शिव भगवान का बनाने का है, महादेव का, लॉर्ड शिवा का जो भी है, वॉल पेंटिंग करने का अपने को। और सामने इस तरह से ही मंदिर है, दिखा देता एक बार। हाँ तो अभी टाइम हो रहा है 10:40, तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, देखते हैं कितना टाइम लगता है। वैसे तो मतलब थोड़ा सा टफ है तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो निकलते कलर्स वगैरह लेके आता मैं अपने। Trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Drop top without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noises with you. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. Live a life till it's over, but until we do. तो फाइनली थोड़ा अपना जो स्केच वाला वक्त था वो डन हो गया, तो अभी चलते हैं अपना पेंट वंग चालू करने का। लेकिन थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह से हुआ है। एक रफ स्केच मैं मतलब कर ले रहा था पहले, इतना ज़्यादा प्रोफेशनल तो हो नहीं कि मतलब सीधा स्ट्रोक मारूँ, तो पहले मैंने स्केच वर्क कर लिया पूरा अच्छे से। बहुत सही बना है, बहुत टाइम लग गया थोड़ा सा, लेकिन सही बन गया। अभी थोड़ा एक प्रॉपर मेरे को आइडिया आ जाएगा पेंटिंग करते टाइम पर, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देखो इस तरह से कुछ बना है पूरा स्केच। सर भाई भाई लेके आ गए नाश्ता वास्ता अपना, खाते हुए। ये नारियल की चटनी है। तुम लोग का नाश्ता वास्ता हो गया, मेरे को फटाफट काम चालू करना है। तो ये सब कलर है जो मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। गला वाला पोर्शन कर रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँ कि शेडिंग बहुत है इसमें, इस वजह से मैं पहले फ्लैट कर दे रहा हूँ पूरा, फिर उसके ऊपर शेडिंग कर रहा हूँ, तो शेडिंग की वजह से ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो वैसे अभी यहाँ पे तैयारियाँ भी शुरू हो गई है, जो भी शिवरात्रि की है मंडप वगैरह बनने चालू हो गए और मेरा भी पेंटिंग चालू ही है। ये देखो देखो, तो मैं भी जाम थक गया अभी, तो आज तो कम्प्लीट नहीं हो पाएगा, दिख ही गया है। तो आज मैं फटाफट खाली फेस वाला स्ट्रक्चर कम्प्लीट करके जो बाकी का बाल वाल और छोटे मोटे डिटेल्स है वो कल पर छोड़ने वाला हूँ। तो आज तो नहीं हो पाया, मैं पूरा ट्राई किया कि आज के आज हो जाए, लेकिन जो शेडिंग वाला काम है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छा बन रहा है। तो आज के लिए कुछ इतना हुआ है अपना, जो पूरा पोर्शन है फेस वाला, जो स्किन वाला पूरा पोर्शन है वो कंप्लीट कर दिया है मैंने, बाकी तो बस ये बाल वाल रह गए और जो फेस पे डिटेलिंग बाकी है वो सब बाकी है। अभी चलते घर पे, फुल हाथ वाथ सब खराब हो गए, सब पूरा बैकअप करना पड़ेगा अच्छे से, सब कलर्स वलर्स भी यहाँ बिखरे पड़े, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा खराब है, वो सब करता हूँ और फिर निकलता है।
आ गया अभी जस्ट पहुंचा। तो वैसे अभी बज रहे सुबह के 8:30 और बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे, बहुत ही सही है। तो जगह भी इतने अच्छे ना, इतनी शांत और ऐसा, मतलब पेड़ वेड़ के नीचे ना ये मंदिर, बहुत ही प्यारी लोकेशन पे है। और ऊपर से जो मतलब सुबह का टाइम है तो जो बहुत लोग ऐसे दर्शन वर्शन के लिए आ रहे, तो वो भी चालू है। और एक साइड में अपना अभी पेंटिंग का काम चालू करने का है मेरे को, दूसरा कि थोड़ा दर्शन वर्शन कर लूँ महाकाल के, महाकाल के दर्शन के साथ शुरू कर दे आज का दिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज अपने को कोई भी कंडीशन में कैसे भी रात भर जाग के भी ये कम्प्लीट करना ही है, क्योंकि कल ही शिवरात्रि है तो कल पर नहीं छोड़ सकते कुछ भी। मैं दर्शन करके आ गया अंदर से, तो फटाफट काम चालू करते, बहुत काम। तो ऑलमोस्ट डन हो गया, अभी बस फाइनल फिनिशिंग का बाकी है। आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखो ऑलमोस्ट डन हो गया पूरा, बस ये जो थोड़े बहुत फिनिशिंग काम बाकी है और नीचे के बाकी है बस। बाय बाय। सो फाइनली मेरी वेंडिंग कंप्लीट हो चुकी है और अभी टाइम हो रहा है 7:30। 7:30 को मेरा मतलब थोड़ा बहुत अभी भी बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग जो है वो बाकी है, लेकिन बाकी तो मैंने पूरी पेंटिंग कर दी है, पूरी कंप्लीट कर दी है। मैं भी आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा अभी, तो वैसे भी रात हो गया तो रिवील नहीं करूंगा अभी, कल सुबह आऊंगा अच्छे से शूट आउट करके आप लोगों को रिवील करके बताऊंगा कि इस तरह से बनी है, बहुत ज़ोरदार बनी है। और यहाँ पे भाई अपने पीछे भाई लोग जो यहाँ पे है, इन्होंने करवाया पूरा, इन्होंने करवाया पूरा, तो इन लोग के मतलब कहने पे मैंने किया है पूरा अच्छे से, तो कम्प्लीट हो गया। तो भाई कुछ मेरे को ना टोटल कल और आज में मिला के कुछ 14 घंटे जितने लगे मेरे को पूरा कम्प्लीट करने में, 14 घंटे में मैंने पूरा कम्प्लीट किया और जो बना है बहुत ही जबरदस्त बना है। कल सुबह मैं आके अपना ये पेंटिंग का रिव्यू दूंगा पूरा।